अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैम मैं सारा दिन रोटी नहीं खाती हूँ, सारा दिन भूखा रहती हूँ और कुछ भी नहीं खाती हूँ, सारा दिन एक्सरसाइज करती हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि मेरा मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा वेट बिल्कुल कम नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हार्मोन्स का इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, तो स्पेशली फीमेल्स में हार्मोन्स का इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा होता है। जिसको ओबेसिटी है, जिसको मोटापा है, उनमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस होते हैं। इन्हें फ्यूचर में डायबिटिक होने से कोई नहीं रोक सकता, इन्हें डायबिटिक कैसा भी होता है। इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले वेट लॉस करिए, और वेट लॉस में सबसे ज़्यादा आप ईजी वे मत देखिए, जैसा कि बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें सर्जरी एंड लाइपोसेक्शन एंड बहुत सारे चीज़ें अपनाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको राहत नहीं होती है, क्योंकि आपको हार्मोन का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप हार्मोन को बैलेंस करिए एंड वेट लॉस आपको अपने आप हो जाता है। और सबसे ज़्यादा थुलथुलापन, मोटापा, जो इन्हें फैट हो जाता है बॉडी में, बट फिर भी पॉप बेली बन जाती है। जो पॉप बेली में क्या होता है, खाली गैस एसिडिटी फॉर्म हो जाती है, इन्हें पेट बहुत बड़ा फूले हुआ दिखाई देता है। ये जो हमारा वेट लॉस जूस है, ये आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। जो आपके गैस फॉर्म है, जो पॉप है, वो ख़त्म हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है।